आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है आज कारगिल विजय दिवस है 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था साथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुसाहस किया था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था लेकिन कहा जाता है ना बैरू सब सबकाहू सौ जो कर हित अनहित ताहू सौ यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोंपने की कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा आप कल्पना कर सकते हैं ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई साथियों उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं शेयर करें मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार बार कीजिए साथियों कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी आइए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने समझे और समय की मांग है कि उसे स्वीकार करें हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी साथियों युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार हमारा व्यवहार हमारी वाणी हमारे बयान हमारी मर्यादा हमारे लक्ष्य सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कह रहे हैं उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े उनका सम्मान बढ़े राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लिए एकता के सूत्र में बंधे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं हमारे यहां तो कहा गया है ना संगे शक्ति कलो युगे कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है कभी कभी जिज्ञासा व फॉरवर्ड करते रहते हैं पता है गलत है करते रहते हैं आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी